40 के दौर से आज़ादी तक का दौर आप देखेंगे, इसी दौर में जिन्ना ने अपनी मुस्लिम लीग खड़ी की। ये वो दौर था जब कांग्रेस और गांधी लगातार जेलों में थे, सिर्फ निकलते थे और जाते थे, मैदान खुला हुआ था। उस समय में मुस्लिम समाज के जितने कट्टरपंथी पुराणपंथी सड़े हुए तत्व थे, उन सबको उभार कर जिन्ना ने ऊपर खड़ा किया, एक एक मस्जिदों में से लोगों को निकाला और खड़ा करके मुस्लिम लीग बना दी, इतनी मजबूत बना दी कि बड़े बहुमत से मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, जैसे आज बड़े बहुमत से हिंदू वोट देने के लिए तैयार है। दो ही निवेदन करूंगा, मुझको दुख होता है जब हम लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकिंग की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़ी दिलचस्पी से करते हैं, किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मैं तो फलाना शंकराचार्य से मिला, तो पर क्या रखा हुआ है इन सब चीज़ों में, किसकी बात कर रहे हो, जिन लोगों से मारे जा रहे हो उन्हीं की बात कर रहे हो, पॉलिटिकिंग नहीं पॉलिटिक्स की बात कीजिए, राजनीति को थोड़ा ज़्यादा गहराई से देखिए। एक किताब है जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, एक किताब है जिसका नाम है असत्य के प्रयोग, दोनों की अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। एक किताब है जो दयाशंकर जी ने लिखी है। इन सब किताबों को जोड़ दें अगर आपस में, तो हम लोग बनते हैं जो हम सामने यहाँ बैठे हैं और जो बाहर हैं। मेरी चिंता है या मेरा दुख यह है कि हम सब लोग जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने लोकतंत्र को इतना कम समझा, लोकतंत्र की इतनी कम कीमत लगाई, और जो ढांचा बना अपने देश का आज़ादी की लड़ाई के बाद, उसको भी इतना कम समझा, इसकी तकलीफ है। लेकिन इसके साथ मुझको इस बात का एहसास भी है कि समाज इतनी आसानी से चीज़ें समझता नहीं है। हम लोगों ने इसको खेल समझ लिया था, क्योंकि एक आदमी हमारे बीच आया और उसने अपनी जान देकर चीज़ों को थोड़ा आसान बना दिया, तो हमने समझा शायद ये बना बनाया मिलता है। नहीं, बना बनाया नहीं मिलता है, ये बनाते रहना पड़ता है, और जब बनाते रहने की कोशिश में हम कमज़ोर पड़ गए तो हमको वही मिलना था जो आज मिला है। इसलिए मैं दो ही निवेदन करूंगा, मुझको दुख होता है जब हम लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकिंग की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़ी दिलचस्पी से करते हैं, किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मैं तो फलाना शंकराचार्य से मिला, तो पर क्या रखा हुआ है इन सब चीज़ों में, किसकी बात कर रहे हो, जिन लोगों से मारे जा रहे हो उन्हीं की बात कर रहे हो, पॉलिटिकिंग नहीं पॉलिटिक्स की बात कीजिए, राजनीति को थोड़ा ज्यादा गहराई से देखिए। 1884 की किताब का जिक्र कर रहे थे आप, उन्हीं सज्जन जॉर्ज ऑरवेल की किताब है एनिमल फॉर्म, उसको भी देखिए। आप ये भी देखिए कि जब जर्मनी में हिटलर का उदय हो रहा था, उस काल के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल कार्बन कॉपी है जो अपने यहाँ हो रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, एक एक नारे जो हैं वो कार्बन कॉपी हैं, एक एक चालें जो हैं वो कार्बन कॉपी हैं, जो कहानियाँ कही जा रही हैं वो भी वही हैं। यानी फासिज्म के आने के जो तरीके हैं वो बने हुए हैं, उन तरीकों को अपना करके आज ये फासिस्ट बने हैं, इससे पहले कोई और कोशिश कर रहा था जो विफल हो गया बनने में। तो हम क्या करें, मैं ये भी कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ आप लोगों के बीच में, कल ही कहीं कह के आया हूँ कि अगर 40 के दौर से आज़ादी तक का दौर आप देखेंगे, इसी दौर में जिन्ना ने अपनी मुस्लिम लीग खड़ी की। ये वो दौर था जब कांग्रेस और गांधी लगातार जेलों में थे, सिर्फ निकलते थे और जाते थे,
मैदान खुला हुआ था। उस समय में मुस्लिम समाज के जितने कट्टरपंथी पुराणपंथी सड़े हुए तत्व थे, उन सब को उभार कर जिन्ना ने ऊपर खड़ा किया, एक एक मस्जिदों में से लोगों को निकाला और खड़ा करके मुस्लिम लीग बना दी, इतनी मजबूत बना दी कि बड़े बहुमत से मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिए, जैसे आज बड़े बहुमत से हिंदू वोट देने के लिए तैयार है। यानी मुसलमान या हिंदू वाला सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारी समझ को, हमारी साइकी को कैसे कैप्चर करते हैं। उसी समय हिंदू महासभा खड़ी हुई, उसी समय पूरा दर्शन एक मजबूत रूप लेकर सामने आया। मतलब जब आप वैकल्पिक चर्चाएं बंद कर देते हैं, लोगों के साथ आपका कनेक्ट खत्म हो जाता है, तब इन तत्वों को उभरने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो मौका कांग्रेस ने दिया कि कांग्रेस के भीतर वैकल्पिक चर्चाएं बंद हो गई। तो जब आप बातें बंद कर देते हो तो दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। समाज वैक्यूम में कभी नहीं रहता। अगर आप चाहेंगे कि समाज को कुछ समय शून्य में छोड़ दिया जाए तो समाज शून्य में रहता नहीं है। इसलिए मैंने उस सत्य के प्रयोग नाम की किताब का जिक्र आपके सामने किया, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी थी, लिख दी थी, जो आज घटित हो रही हैं और हम देख रहे हैं सामने होते हुए। तो एक बार फिर से उन चीज़ों को देखना चाहिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दयाशंकर जी की किताब के लिए इतने सारे लोग यहाँ जमा हैं तो आप मार्क हो रहे हैं। जो कहा गया कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग, तो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू टू, तो आप भी मार्क हो रहे हैं, लेकिन आप आए हैं यहाँ। ऐसे ही बाहर करोड़ों लोग हैं जो खड़े हैं, उनके बीच पहुंचने की ज़रूरत है। लोगों में भरोसा खोइए नहीं, लोगों के अंदर बहुत ताकत है, वनस्पत की उस ताकत तक आप पहुंचिए। इसलिए राहुल गांधी का महत्व है। राहुल गांधी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो मेरे लिए किसी बहुत मतलब के नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी वो काम कर रहे हैं जो काम कोई दूसरा कर नहीं रहा है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। पता नहीं इस चक्रव्यूह से वो निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभिमन्यु भी नहीं निकल पाया था, तो अभिमन्यु के पास भी ज्ञान तो नहीं था बाहर निकलने का। पता नहीं राहुल के पास है कि नहीं है, लेकिन बाहर निकलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है चक्रव्यूह में घुसने की हिम्मत रखना। वो बात राहुल जी ने की है और ये किताब जो है उन बातों को थोड़ी व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रखती है, इसलिए महत्व की किताब है। लेकिन दयाशंकर जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो अकेले हैं ऐसा मत समझिए, बहुत सारे दयाशंकर अलग अलग मोर्चों पर ये काम कर रहे हैं, और उन सारे दयाशंकरों को जोड़ दें तो एक ऐसी बड़ी ताकत खड़ी हो सकती है जो इस मिजाज को, इस वक्त के मिजाज को पलट सकती है। इसलिए सिर्फ इस समझ के लिए, इस बात को अच्छी तरह पकड़ लेने के लिए राहुल गांधी सबके निशाने पर हैं, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर कोई विकल्प बनेगा तो शायद यहीं से खड़ा हो जाएगा, इसलिए इस विकल्प को नहीं बनने देना है। तो हम लोग अगर इन बातों को समझ रहे हैं तो घबराए बगैर हिम्मत के साथ लोगों के बीच में जाना और लोगों के बीच में चर्चाएँ खड़ी करना और बातचीत करना सबसे बड़ा हथियार है जिससे इनको बदला जा सकता है। ये अमर नहीं है, ये अजय नहीं है, पांव बिल्कुल कीचड़ में सने हैं, सिर्फ कहने की ज़रूरत है कि पांव तुम्हारे कीचड़ में सने। धन्यवाद।